ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन पर कांग्रेस नेता टीएन सिंहदेव ने बयान दिया है। बयान में सिंहदेव ने कहा कि किसी भी सांसद या विधायक को दिए गए अकाउंट में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती जो राष्ट्रीय हित को हो। मेरी जानकारी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया कि एक आईडी मिली है एक सांसद को, सभी सांसदों को मिली हुई एक आईडी मिली है जिससे कि वो एक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। उसमें दस्तावेज क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। मैं जनरली अभी बोल रहा हूं, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैं बिल्कुल अपनी बात वापस ले लूंगा। मेरी जानकारी में किसी भी सांसद को या विधायक को ऐसी कोई जानकारी अकाउंट में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती जो कि राष्ट्रीय हित की हो। राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पे तो सवाल ही करने में प्रतिबंध है कि भाई आप लोकसभा में भी नहीं पूछ सकते सवाल, यहाँ भी नहीं पूछ सकते सवाल। जहाँ सवाल ही नहीं पूछ सकते ऐसे नाजुक मामलों में, तो कौन से राष्ट्रीय हित का मामला महिला ये महुआ मोइत्रा जी के अकाउंट में था, हम लोग को ये बता दें। मैं भी जानना चाहूंगा कि मैं अगर हाँ तो उसमें क्या रहता है, सदन की कार्रवाइयां रहती हैं, पुराने उसके रूल्स जो रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे हाउस चलता है। जब से विधानसभा चल रही हो उसके रिकॉर्ड को उसमें डिजिटलाइज किया हुआ है, किसने क्या प्रश्न पूछा, क्या सवाल आंसर दिया, हम लोग को कागज में मिलता था, वो आपको वहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध रहेगा। तो उसके अलावा क्या मिलता है। मेरे विभाग में मैं मंत्री था, मान लीजिए मंत्री के रूप में जब काम कर रहा था तो मेरे विभाग की जानकारी विधायकों के पास उपलब्ध होती है क्या? कितने कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, ये किस विधायक के जो अकाउंट उनको मिलता है चलाने का उसमें मिलते, मेरे को आप बता दो। कितने गुरुजी काम कर रहे हैं इसकी जानकारी उसमें होती है क्या? बाकी चीज तो छोड़ दो आप, पोस्टिंग ट्रांसफर होते हैं उसकी जानकारी है क्या? कितनी मशीनें खरीद कर रखी जाती हैं उसकी जानकारी उसमें है क्या? मेरी जानकारी तो ये भी जानकारी नहीं रहती। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।